को न्योता देता है। दर्शकों की उपस्थिति में नम्रता को व्यक्तिगत छूट के तौर पर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इस पुरानी सोच के मुकाबले आधुनिक सोच ने अपना स्थान बना लिया है। वक्ता के व्यवहार में नम्रता होना गलत नहीं है, लेकिन व्यवहार में दर्शाई गई नम्रता में दब्बूपन का एहसास नहीं होना चाहिए। चार्ल्स डिंकस की शान में आयोजित किए गए एक रात्रि भोज में वॉशिंगटन इरविन ने डिक्सन का परिचय करवाया। भाषण के मध्य में इरविन हिचकिचाहट की वजह से शर्मिंदा हो गए और अटपटे ढंग से बैठ गए। अपने एक मित्र की तरफ घूमते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था मुझे नाकामी मिलेगी और मैं नाकाम रहा। यदि आप सोचते हैं कि आप नाकाम रहेंगे तो आपके लिए आशा की कोई जगह नहीं है, आप नाकाम ही होंगे। इस धारणा से छुटकारा पाइए कि मैं लाचार मिट्टी में सना कीड़ा हूं। आप ईश्वर के समान हैं, जिसमें कई विशेषताएं हैं। यदि पहले से तैयार हैं तो सब कुछ ठीक ही होगा। बाज तेज रोशनी फेंकते सूर्य की आंखों में आंखें डालकर देखने की क्षमता रखता है। वक्ता में भी ऐसी कई विशेषताएं होती हैं। आवश्यकता होती है तो बस उन्हें पहचानने की। दर्शकों पर प्रभुत्व की कल्पना करें। विद्युत की तरह सार्वजनिक भाषण में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। स्वयं आप या आपके दर्शक सकारात्मक ऊर्जा का जरिया बनते हैं। यदि आप इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं तो इसे अपनाने की कल्पना भी कर सकते हैं। यदि आपका रुझान नकारात्मक ऊर्जा की ओर है तो परिणाम भी नकारात्मक होंगे। स्वयं को दिशा दिखाने वाली सभी शक्तियों का आह्वान करें। सदा याद रखें कि आपके दर्शक आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आप दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्य, क्योंकि सत्य अविनाशी होता है। यदि आपका हौसला मजबूत नहीं है तो जाहिर है कि हाथ से तलवार गिर जाएगी। निर्भीक बने, ये आपके इरादे पर आधारित है कि आप खुद को किस दिशा में ढालते हैं, अर्थात स्वयं को शांत एवं निश्चयी बनाए। दर्शकों के समक्ष भाषण से पहले क्षण भर रुकें, दर्शकों को गौर से देखें, एहसास करें कि दर्शक आपकी जीत की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना कीमती समय एक नीरस वक्ता के लिए खर्च करने की इच्छा रखता हो। संकेतों से निष्कर्ष निकालना। भाषण शुरू करने में जल्दबाजी न दिखाएं। जल्दबाजी से नियंत्रण कमजोर हो जाता है। क्षमा याचना न करें, ये जरूरी नहीं है, और अगर है भी तो इससे काम नहीं बनेगा। सरलतापूर्वक आगे बढ़ते रहें। एक लंबी सांस भरें, मन को शांत करें और आम बातचीत के लहजे में फिर से ऐसे शुरुआत करें जैसे किसी घनिष्ठ मित्र से बात कर रहे हों। यह व्यवहार कल्पना के मुताबिक खराब महसूस नहीं होगा। वास्तव में यह व्यवहार एक सुखद डुबकी लगाने के समान है। डुबकी लगाने के बाद आप महसूस करेंगे कि पानी शीतल है। सच तो यह है कि इस व्यवहार को कई बार अपनाने के बाद ऐसे मौकों पर आप स्वयं उस आनंदित शीतल डुबकी की कल्पना करने के आदी हो जाएंगे। भय से छुटकारा पाइए। बेकाबू भय बुजदिली का कारण बन जाता है। बहादुर लोग भय को पहचानते जरूर हैं, लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं करते। घुटनों में होने वाली थरथराहट पर काबू रखें और मजबूती से दर्शकों का सामना करें। दर्शकों के बीच किसी कोने में आपकी जीत छुपी होती है, उस जीत को हासिल करें। हिम्मत दिखाने वाले व्यक्ति को ही कामयाबी मिलती है। शब्दों की माला बुनकर हौसले का प्रदर्शन कीजिए। याद रखें, काबिलियत के बावजूद हिम्मत न रखने वाले काहिल व्यक्ति को न तो पुरस्कृत किया जाता है और न ही उनकी यादगार में स्मारक स्थापित किए जाते हैं। क्या ये एक संकीर्ण सोच है? इंसान को सहानुभूति की नहीं मामूली से प्रोत्साहन की जरूरत होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अकेली या फिर संयुक्त रूप से मनोदशा, तंत्रिकाएं, रोग और प्रशंसनीय नम्रता वक्ता के भाषण में गुस्ताखी का भाव पैदा कर सकती है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जरूरत से ज्यादा सम्मान की भावना इस कमजोरी को ज्यादा प्रखर बना देती है। निर्भीक मनोदशा में जीत हासिल करना सरल होता है। प्रोफेसर वॉल्टर डिल स्कॉट ने कहा है कि क्षमता के मुकाबले कारोबार में कामयाबी और नाकामयाबी की ज्यादा बड़ी वजह मानसिक दृष्टिकोण होता है।
और इस दृष्टिकोण को हासिल करने का एकमात्र रास्ता है कि इसको हासिल किया जाए। इस बुनियादी अध्याय में हमने जानने की कोशिश की है कि अच्छा वक्ता बनने के लिए किन जरूरी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। इनमें से अधिकतर सिद्धांतों पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। माननीय ग्लैडस्टोन के मुताबिक चर्चा के योग्य सभी अध्याय किसी सार्वजनिक प्रेस से ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे और न्याय संगत आत्मविश्वास से संबंधित चर्चा का जिक्र बार बार किया जाएगा। अध्याय 2, एक जैसे ढंग की नीरसता। हिंदी भाषा में साल दर साल बदलाव होता रहा है और अब कई शब्दों का अर्थ वास्तविक अर्थ से कहीं ज्यादा हो गया है। एक रूपता शब्द के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। केवल एक जैसा भाव होने की जगह अब इस शब्द का इस्तेमाल भिन्नता की कमी के तौर पर भी किया जाने लगा है। एक ही ढंग से बोलने वाले वक्ताओं का स्वर एवं लहजा ही नहीं बल्कि शब्दों पर जोर देने का तरीका, गति और विचार भी समान रूप से नीरस होते हैं। भीड़ के समक्ष बोलने वाले वक्ताओं के लिए एक रूपता प्रमुख एवं आम दोष है। ये केवल अपराध नहीं है बल्कि एक मामूली सी चूक की वजह से होने वाला गुनाह है। भाषण शैली में एक रूपता का एहसास होना आपके लिए मामूली बात हो सकती है, अर्थात इसके कुप्रभाव को जानने के लिए इसकी प्रवृत्ति और जीवन के भिन्न पहलुओं पर एक रूपता से पैदा होने वाली विपदा का आकलन करते हैं। इस आकलन के बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि कैसे एक रूपता अच्छे भाषण को नीरस बनाने का काम करती है। आपके बगल वाले मकान में यदि केवल 3 गानों को बार बार जोर से बजाया जाए तो यकीनन आप ये मान लेंगे कि आपके पड़ोसी के पास केवल 3 ही गानों का संग्रह है। इसी प्रकार यदि वक्ता एक जैसी ऊर्जा के साथ भाषण देता रहे तो ये मान लिया जाता है कि वक्ता के स्वरों